हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि हम पिछले वाले ब्लॉग में बोले थे कि जो इसके बाजू ब्लॉग आएगा उसमें मैं अपना न्यू सेटअप दिखाऊंगी, तो फिलहाल मैं रेडी हूँ रील्स बनाने के लिए। ये देखिए, मेरे ऐसे लुक ऐसे दिखा दे रहे हैं, मतलब साड़ी पहने, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज, तो पता नहीं मतलब कि मैं शूट कर पाऊँगी भी कि नहीं, इसलिए मैं कब से रेडी नहीं हो रही थी। और अभी टाइम देख लीजिए आप, 4:15 होने जा रहा है, ये दिख रहा है वहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो 4:15। सो अभी लाइट है फिलहाल के लिए, तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग को अपना सेटअप दिखाती हूँ कि किस टाइप से मैंने सेटअप बनाया, पहले थोड़ा रेडी हो लेते हैं। सो अगर आप लोग ब्लॉग में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं, कीप वॉचिंग। बाहर बारिश हो रहा है, बेचारा यहाँ पर आके सोया हुआ है। और ये रहा बाहर का मौसम, वाओ सो ब्यूटीफुल का मौसम। ओ माय गॉड, हवा से गेट बंद हो गया। बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया है, पूरा बारिश। ओहो, आज मौसम पूरा बारिश का है और ख़तरनाक बारिश भी हुआ है। बादल देख लीजिए कैसा कैसा है एकदम। ये मोती भी डांस कर रहा है। निकल, इसको कहाँ लेके जा रहा है? चल मेरे साथ इधर। उधर कहाँ? आज सारा फूल को हम ऊपर चढ़ाएँ, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए तो ऊपर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे पान पत्ता हो रहा था और वो चला गया उधर। आज मौसम बड़ा सुहाना है, वाओ यार, मेरे को ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मा हम साड़ी पहने, देखो गंदा हुआ था, मेरी मम्मी बहुत मारी है, नीचे गंदा हुआ था, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी सेटअप की तरफ। आज मैं बाहर वीडियो नहीं बना रही हूँ, एक दो शूट करूँगी, उसके बाद फिर अंदर शूट करेंगे, क्योंकि बाहर बारिश है तो साड़ी गंदा हो जाएगा। इसलिए अभी भी देखिए बारिश बरस रही है, लाइट का कोई ठीक नहीं है, तो विदाउट लाइट के हम लोग चलते हैं घर के अंदर। यह है वो पर्दा, और यहाँ का सेटअप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लगवाए हैं बड़ा सा आईना, जिसको मिरर बोलते हैं, और मुझे पता है आप लोग को पता है कि मिरर बोलते हैं। सो इसमें अब मैं वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज़ ये मेरा नया सेटअप है, और ये लगा मेरे को हो गया, अच्छा खासा टाइम भी हो गया। मैंने वीडियोज़ भी बनाई है इंस्टाग्राम पर, जो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया उनको पता होगा, तो उन लोगों को लगा था कि शॉर्ट्स आना है, बट देखो आईना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये है एक नया रिंगलेट, जो कि मुझे मौज से गिफ्ट आया था हाल फिलहाल में, बट मैंने वीडियोज़ नहीं बनाया था, बिकॉज इसलिए क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला था, और जब तक हम घर आए तब तक ये लोग खोल के उसको अनबॉक्सिंग कर चुका था, देन मैं शूट नहीं कर पाई थी। वो रिंग लाइट है, ये उसका स्टैंड है, बट इसमें ना कुछ ऐड नहीं हो पा रहा, जिसकी उसको हम खोल के रखे हैं, ये टाइट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। और बाकी इधर मेरा छोटू रिंग लाइट, जब बड़ा वाला रिंग लाइट आया ना उसके सामने, ये बच्चा लग रहा था देखने में, एकदम लग रहा था कि छोटू है। और बाकी इधर मेरा दो लाइट ऐसे पड़ा हुआ है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। और इधर में हम लगा दिए हैं पर्दा, जैसे कि है, मतलब उधर पहले इस साइड में लगा हुआ था, ये अलमारी ढक गया था, लेकिन अब देखिए इस टाइप से ऐसा कुछ सीन है। तो अब हम वीडियो बनाएंगे इस जगह पर, जो कि है यहाँ पे। इधर तो पूरा, मतलब इस रूम में कोई नहीं आता, इसलिए पूरा कबाड़ खाना है, इधर बस ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है। और ये है आज का मेरा लुक, जो कि मैंने पहन रखी है साड़ी, और बहुत ही सिंपल सा साड़ी है। अभी हम रेडी नहीं हुए हैं, बिकॉज मेरे को लग गई है भूख, पहले मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद बनाऊँगी रील्स। आ गई हूँ मैं किचन में, देखते हैं आज क्या बना है खाने में, सब कुछ तो रखा हुआ है। मम्मी बोल रही है तैयार हुई है, तभी उसको खाना सोच रहा है, पहले से खाती पहले से मुझे भूख नहीं लगी थी, और लाइट भी कटा हुआ था, मेरे को मन नहीं था, पता नहीं। ये लोग सब खाना लेके रेडी हुई है, ये लोग खाने भी जा रही है, इसको एक वीडियो शूट करना है राधा को, ठोक ठाक करते रहती है। चलो देखती हूँ खाने में क्या बना है। मेरा पकौड़ी कहाँ है? इसमें कि तुम पकौड़ी ले लो, हमको चिप्स दे दो। क्यों भाई, चिप्स और पकौड़ी में अंतर क्या है? पकौड़ी से मैं छालक चाकला हार रहा है। क्या लहर रहा है? कुछ मुंह का घुमा है, मुंह से लगा पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आजकल देखे देखे देखे। ओहो हुस्ने परी, तुम जाने जा तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवा, सौंदर्य साबुन खाना। ये रहा खाना, निकाल ले हम जरा क्या क्या बना है। चावल, दाल, ये क्या है? अजीब टाइप का सब्जी है। वह लोग फुआ से बात करिए करिए, फुआ को पोज मारने के लिए पोज मारिए ना, इधर दिखा रही, इधर वीडियो कॉल में दिखा। फुआ देखिए आपका वीडियो बन रहा है, पोज मरा रहा है फुआ, पोज मार के दिखाइए, फोटो खिंचाएगा। धान के खेत में बैठी हुई है ना इसलिए। मस्त मस्त एकदम अच्छा। हाँ बेटा,
अच्छा आ रहा है एकदम मस्त। तार फिट कर रही है और खींचे से खोलो उसको थोड़ा सा, और नहीं खुलेगी, कान भी पूरा खोले। लोग तार एकदम काट दिया है, ये लड़का जो है नीचे से घुसा ना, उल्टा घुसाती है। इधर सेटअप कर लेते हैं फटाक से। छोटा लाइट जला, बड़ा वाला जला। बाप रे इतना लाइट, हट से ज्यादा लाइट हो गया। गर्मी लाइट जलते जलते कितना खतरनाक लाइट है। रिमोट ये रहा, ए रहा। गाइस देखो ये रिंग लाइट में, वहाँ से थोड़ी दिख रहा है। रिंग लाइट का लाइट दिखा, लाइट दूर से दिखा तब दिखेगा। गाइस देखिए इसका लाइट दिखाते हैं आपको। देखिए ये येलो, ये तो नॉर्मल लाइट है। इसके बाद ये ब्लू, उसके बाद चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये पर्पल, ये पिंक, उसके बाद ये डार्क पिंक है, ये वाइट है, ये डीजे टाइप का लाइट है। उसके बाद एक ये लाइट है, इसमें मतलब पूरा घूम रहा दिख रहा है कैमरा में, मैं कम दिख रहा है। उसके बाद ये रेड, रेड का पता ही नहीं चल रहा। ये तो डीजे लाइट लग रहा है हल्का हल्का। तो हम सामने से दिखाते हैं, या सामने से रिकॉर्ड करो, वहाँ पे दिख रहा है। उधर उधर से यहाँ दिखा ना सामने। ये येल्लो, ये ब्लिंक वाला लाइट है, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है कैमरा में, लेकिन ये फ्लिकर लाइट है। ये देखिए ये इस टाइप का है, ये ग्रीन है, ग्रीन घूम रहा है। ये देखिए ये क्रीम कलर का है, मतलब ऑरेंज और शायद ब्लू है। इस टाइप का बहुत सारा लाइट है इसमें, आपको हम क्या ही बताएं। आप देखोगे हर मिनट मिनट में ये चेंज होगा। ये देखिए इसमें सारा लाइट है, ऊपर से दिखाओ ना आधा कट रहा है कैमरा में, कैसे रिकॉर्ड कर रही है। इसमें देखिए सामने से दिख रहा है, पता नहीं आप लोग आपको ऐसे दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद ये देखिए बहुत सारा लाइट है, आप देख देख के परेशान हो जाएंगे, इतना सारा लाइट है इसमें। हम जिस दिन देखे थे, ये देखिए ये दो लाइट वाला हो गया, पता नहीं कैमरा में क्यों नहीं दिख रहा है, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है शायद, इस लाइट की वजह से शायद नहीं दिख रहा। अब देखो तो अब भी नहीं दिख रहा है। सो गाइस छोड़िए, आपको लाइट दिख नहीं रहा तो नॉर्मल जलाते हैं। उसके बाद ये जाएंगे पूरा पसीना पसीना होगा, क्योंकि इस रूम में पंखा मेरे को लगवाना बहुत ज़रूरी है, पंखा नहीं है और जिसकी वजह से मेरे को गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा ही। देखो गाइस देखिए ये है नया फुल सेटअप, यहाँ पर रिंग लाइट है, रिंग लाइट में भी वीडियो बनाते हैं, अंधेरा कायम रहे इस टाइप से। एक लाइट इधर से, अब ये भी जलाएंगे ताकि अच्छा से लाइट आ जाए। और यहाँ पे हूँ मैं, पैकेट के घर पे, और आज है इसकी बहन का बर्थडे, इसकी सबसे बड़ी वाली बहन का बर्थडे है। तो हम बस वीडियो बनाए थे, ड्रेस चेंज भी नहीं किया है, डायरेक्ट इसके घर पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन, और बाकी तो हम लोग डांस वगैरह बहुत ज़्यादा किए, उसका ब्लॉग आप लोग से पहले ही देख चुके हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि छोटा पैकेट ब्लॉग में क्यों नहीं आता है, तो ये पढ़ने लगा आजकल स्कूल में। कहाँ पढ़ता है छोटा पैकेट स्कूल में? नहीं बोला क्या नाम बताया पता नहीं। तो ये रहता नहीं घर पे, और मैं भी ब्लॉगिंग अभी बहुत दिन से बंद करके रखी थी इसलिए। सो अभी सब रेडी हो रहा है और बलून वगैरह लगा, लेकिन सब नाचते नाचते मतलब फोड़ फाड़ के गायब कर दिया। तो चलिए फटाक से चलते हैं कट कट की तरफ, और उसके बाद फिर चलेंगे घर, बिकॉज 9:30 हो गया, लेट हो गया। तो छोटा पैकेट नाचा नहीं, इसको बहुत नचवाया लेकिन नहीं नाचा, बदमाश हो गया आजकल, मेरा बात नहीं सुनता ना छोटा पैकेट, नहीं सुनता ना तो मेरा बात नहीं, आजकल मेरा बात नहीं सुनता, बहुत बदमाश। चलिए केक कट करते हैं। हाँ इसीलिए तो नहीं सुनता, आड़ी बाड़ी में जाता है ना छोटा पैकेट, तुम कहाँ जाते हैं? आड़ी बाड़ी में बोलने में शर्म आ रहा है। केक रेडी हो चुका है, केक काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, वाइट वाइट केक है। कौन काटेगा, कौन काटेगा? तेरा है बर्थडे गर्ल, इधर तैयार है, इसका बर्थडे है। चलो उधर फ्रंट में जाओ, फ्रंट में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Aditi didi, happy birthday to you।
खिला दो दीदी, जाओ उधर जा, छोटा पैकेट खा लो दीदी, दीदी से केक। सो गाइज फाइनली मैं आ गई अपने घर और हो गया हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन। आप लोगों ने मेरी न्यू सेटअप भी देखी, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो थोड़ा यूनिक होने वाला है, वो मैं नहीं बताऊँगी ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा यूनिक होने वाला है इसलिए। सो आप लोग नेक्स्ट वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।